कहीं ट्रेन उससे टकरा कर नीचे न गिर जाए, नहीं तो हम सब टह बोल जाएंगे। लगता है अब टक्कर होकर रहेगी। सरदार मैं नाचूं क्या? जरा तुम अपनी दो बड़ी बड़ी उल्लू जैसी आंखें उठाकर सामने देखो। मौत हमारी तरफ तेजी से चली आ रही है और इस परिस्थिति में भी तुम्हें नाचना है। सरदार मैं नाचूं क्या? पगला गई है ये औरत, पूरी तरह से इसका दिमाग हिल गया है। चलो ठीक है, कुछ देर शांत रहो, कुछ समय बाद हम लोग तुम्हारा नाच सीधे परलोक में देखेंगे। परलोक में क्यों? क्योंकि कुछ देर बाद हम वहीं पहुंचने वाले हैं। सरदार अगर नचनिया नाचने का इतना ही जिद कर रही है तो नाचने दो ना, कम से कम टै बोलने से पहले हमारे गुर्दों को थोड़ी सी संतुष्टि मिल जाएगी। क्या कहते हो गजधरा? मैं क्या कहूँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि नरक में हम खौलते तेल में पकौड़ों की तरह तले जाएंगे। इतनी मनहूस बातें करता है, तुझे शर्म नहीं आती? काहे का शर्म सरदार, अब तो बस ऊपर वाले से दुआ करो कि हमारे गुर्दे सही सलामत बच जाए। गुर्दों का क्या बिरयानी बनाकर खाएगा? बिरयानी तो अब हम लोगों की बनने वाली है। भूरे, क्या हम ऊपर वाले को प्यारे हो गए? लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। हाय दैया, हम भरी जवानी में ही टै बोल गए। नहीं, कह दो कि ये झूठ है, झूठ है, झूठ। अब होने को कौन टाल सकता है? चुप हो जाओ गधों, अभी हम जिंदा हैं और हमारे गुर्दे भी सही सलामत हैं। लेकिन उस टीरेक्स का क्या हुआ सरदार? वह कहीं दिख ही नहीं रहा। लगता है वो ट्रेन से टकरा कर नीचे गिर गया। चलो चल कर देखते हैं। भूरा, तुम उस तरफ जाकर देखो और हम इस तरफ देखते हैं। सरदार, इस तरफ टीरेक्स कहीं नहीं दिख रहा, इधर भी नहीं है वो। वहाँ देखो सरदार, कोई चीज वहाँ चमक रही है। चलो चल कर देखते हैं क्या है वो। कमाल हो गया सरदार, हमें पहली चाबी मिल गई। इसका मतलब टीरेक्स ही पहली चाबी था। ट्रेन से टकराने के बाद चाबी में बदल गया। तो देर किस बात की है सरदार, जल्दी से चाबी उठाओ, अभी हमें दूसरा चाबी भी ढूंढना है। सरदार तुम हो कि मैं हूँ? आप हो तो आदेश तुम दोगे कि मैं दूंगा? आप दोगे? चल चाबी उठा। हमेशा रोब झाड़ता ही रहता है। कुछ बोला तूने? चलो सरदार, महारानी सुंदरी को ये पहली चाबी देते हैं और दूसरी चाबी का रास्ता पूछते हैं। लेकिन अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? सरदार वो देखो, जादुई दरवाजा खुल गया। जल्दी चलो सब, जादुई दरवाजा ज्यादा देर तक खुला नहीं रहता है। तुम्हारी बहुत याद आएगी ट्रेन। उम्मीद है हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। अपना ख्याल रखना, भाड़ में जाओ। आह, मेरा गर्दन तोड़ दिया। आह, माफ कर देना सरदार, थोड़ी सी भूल हो गई। कहो तो मैं भी थोड़ी सी भूल कर दूं। क्या तुम लोगों को पहली चाबी मिली? हाँ महाराज पुदीना, हम पहली चाबी लाने में कामयाब रहे। भूरा, जल्दी चाबी दो महारानी सुंदरी को। भूरा, वहाँ कहाँ हाथ डाल रहा है? चोर बगली में, यहाँ पर सामान सुरक्षित रहता है। ये लीजिए महारानी सुंदरी जी, पहली चाबी। अब तुम लोगों को समुद्र की गहराई में जाना होगा दूसरी चाबी की तलाश में। समुद्र की गहराई में? लेकिन हम वहाँ सांस कैसे लेंगे? हमारी तो टै बोल जाएगी। उसकी चिंता तुम मत करो, ये लो, इसे पहन लो।
इसकी मदद से तुम लोग पानी के अंदर भी सांस ले सकोगे और बातें भी कर सकोगे। एक बात याद रखना, जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ बहुत ही खतरनाक खतरनाक मछलियाँ रहती हैं, जो तुम लोगों को बिना डकार लिए ही निगल जाएंगी। महाराज पुदीना, हर बार कहीं जाने से पहले ही आप हमें डरा देते हैं। लचनिया, मैं काफी सुंदर लग रहा हूँ ना इसमें? हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी जाओ। इस समुद्र का तो दूर दूर तक कोई अंत ही नहीं है। चलो सरदार, उस नाव पर बैठकर चलते हैं। शायद हमें समुद्र के अंदर जाने का रास्ता मिल जाए। हाँ चलो। गजो धरा, नाव चला। सरदार वहाँ देखो, लगता है सार्क किसी मछली का पीछा कर रही है उसे खाने के लिए। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये भूरा आज अपनी जान पर खेल कर बचाएगा तुम्हें। सरदार, भूरा तो समुद्र में कूद गया। अरे तो जल्दी नाव को मोड़ो और उसकी तरफ ले चलो, उसे बचाना ही होगा। मैं आ गया, घबराना मत। सरदार वो तो जलपरी है, लेकिन ये जलपरा क्यों कूद गया पानी में? मुझे बचा लो उस सार्क से, तुम्हारे लिए तो ये जान भी हाजिर है। तो सार्क क्या चीज है, अभी खबर लेता हूँ उसकी। तुम यहीं रुको, मेरे होते हुए तुम उसे कुछ नहीं कर पाओगे। अरे बचाओ सरदार। बड़े बड़े दांत है उसके, मुझे उसे बचाना होगा। सरदार ये बच तो जाएगी ना।